क्या लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी का शटर गिरने वाला है? क्या गैंगस्टर का टेरर खत्म होने वाला है? विदेश में बैठकर जुर्म का साम्राज्य चलाने वाले गोल्डी बरार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी विदेश में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चलाने वाले गैंगस्टर्स और उन्हें कैसे इंडिया लाने की तैयारी हो रही है उसकी। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई के बाद अब गोल्डी बरार भारत आ सकता है। यह बात को इसलिए दम मिल चुका है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के दो खास गुर्गे एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं। भांजे सचिन बिश्नोई और गैंगस्टर विक्रम बराड़ को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाया जा चुका है और अब अगला नंबर गैंगस्टर गोल्डी बरार का है जो कनाडा में है। आज आपको बताएंगे कौन से वो शातिर गैंगस्टर हैं जो एनआईए के रेडार पर सबसे ऊपर है। चलिए जान लेते हैं ऐसे ही अपराधियों की क्राइम कथा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पंजाबी रैपर हनी सिंह को धमकी देने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार। गैंगस्टर गोल्डी बरार का असली नाम सतिंदर जीत सिंह बराड़ है। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस में मुख्य आरोपी भी है। पंजाब के फरीदकोट में युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में उसका नाम सबसे पहले सामने आया था। साल 2021 में पंजाब से उसके खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। पुलिस को 16 से ज्यादा मामलों में गोल्डी बरार की तलाश है। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद से ही गोल्डी कनाडा में बैठकर बिश्नोई गैंग की कमान संभालता है। दावा किया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद वो कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया भाग गया था। गोल्डी बरार का जन्म साल 1994 में पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में हुआ। साल 2017 में वो छात्र वीजा पर कनाडा भाग गया। गोल्डी बरार ए प्लस कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। कनाडा में भी गोल्डी बरार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। एनआईए ने गैंगस्टर को 14 आतंकियों वाली लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा। ऐसे में विक्रम बराड़ के यूएई से गिरफ्तार करने और उसे भारत डिपोर्ट करने के बाद गोल्डी बराड़ को पकड़ने के लिए खास प्लानिंग की गई। अमेरिका में पनाह लेने वाले गोल्डी बराड़ अकेला नहीं है। उसके अलावा हरजोत सिंह गिल, दरमनजीत सिंह उर्फ दरमन कालो और अमृत बल भी अमेरिका में छिपा है। गोल्डी बरार के बाद अब बात करते हैं अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु की। अनमोल बिश्नोई गैंग का अहम किरदार है जो एजेंसियों के रडार पर है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अनमोल भी सचिन बिश्नोई की तरह विदेश भाग गया था। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु पर टारगेट किलिंग के आरोप। मूसेवाला मर्डर केस का यह आरोपी अमेरिका में एक पार्टी में डांस करता दिखाई दिया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। दावा किया जाता है पंजाबी सिंगर करण ओजला और शेरी मान के शो में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई शामिल हुआ था। अनमोल के केनिया से पकड़े जाने की खबरें आई थी लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में वो अब एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। सचिन बिश्नोई के अजरबैजान से पकड़े जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल उर्फ भानु की जल्द गिरफ्तारी हो सकती। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है गौरव उर्फ लक्की पटियाल। कुख्यात गैंगस्टर बम्बीहा गैंग से वो जुड़ा हुआ है। दविंदर सिंह सिद्धू उर्फ दविंदर बम्बीहा के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद अब इस गैंग की कमान गौरव उर्फ लक्की पटियाल के हाथों में। वो आर्मेनिया से इस गैंग को ऑपरेट करता है। जेल में वो कई गैंगस्टर के संपर्क में आया और फिर एक
शार्प शूटर बन गए। दविंदर बम्बीहा जुर्म की दुनिया में आने से पहले एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। केंद्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में वांटेड गैंगस्टर की एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें 28 गैंगस्टर्स के नाम शामिल थे। ये वो गैंगस्टर्स हैं जो दूसरे देशों में छिपकर बैठे और विदेश में बैठकर भारत में जुर्म का साम्राज्य चलाते हैं। वो वसूली और रंगदारी का धंधा करते हैं, लोगों की जान लेते हैं और धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। खबरों के मुताबिक 28 में से 9 कनाडा में और 5 गैंगस्टर अमेरिका में छिपे हुए हैं। ये वो गैंगस्टर हैं जिन पर भारत में मर्डर, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ के पकड़े जाने के बाद अब इन गैंगस्टर्स की अपराध की दुकान पर ताला लग सकता है जो भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।